योगी सरकार के आवास राज्य मंत्री सुरेश पासी ने पिछली सरकार में बने हेरिटेज जोन का निरीक्षण किया। कई जगह अधूरे काम को देखकर आवास मंत्री भड़क गए। 200 करोड़ के इस प्रोजेक्ट के लिए जो लाइटें 4 से 5 हजार की हैं, उनकी कीमत 2 लाख बताई गई है। निरीक्षण के दौरान अनियमितता पाए जाने के बाद मंत्री ने सख्त कार्रवाई की बात कही। योगी सरकार के मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने चित्रकूट के संयुक्त जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। गंदगी को लेकर सीएमएस डॉक्टर एनके गुप्ता और सीएमओ डॉक्टर रामजी पांडे को फटकार लगाई गई। एक सप्ताह के भीतर जिला अस्पताल की व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। मुरादाबाद के डीएम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए लोगों ने प्रदर्शन किया। नाराज भीड़ कमिश्नर के दफ्तर में घुस गई। डीएम के खिलाफ मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन कमिश्नर को सौंपा गया। आरोप है कि डीएम जुहेर बिन सगीर पिछले कई साल से एक ही जगह पर बने हुए हैं। यूपी में बुधवार को एक और ट्रेन हादसा टल गया। उन्नाव के अजगैन और कुसुम्बी रेलवे स्टेशन के बीच उत्सर्ग एक्सप्रेस डिरेल होते होते बची। ट्रेन लखनऊ से कानपुर जा रही थी, तभी अचानक ट्रेन के ड्राइवर को एक जोर का झटका महसूस हुआ। ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दी। जब तक ट्रेन रुकती, करीब 12 डिब्बे क्षतिग्रस्त ट्रैक से गुजर चुके थे। अलीगढ़ में ट्रिपल तलाक का एक और मामला सामने आया है। महिला के मुताबिक उसके पति ने बीच सड़क पर 3 तलाक कहकर उसे छोड़ दिया। अब वो न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। गोंडा में भी 3 तलाक पीड़ित महिला ने सीएम योगी से न्याय की गुहार लगाई है। महिला के मुताबिक उसके पति ने उसे सिर्फ इसलिए फोन पर तलाक दिया क्योंकि उसके गर्भ में लड़की पल रही थी। यूपी में 3 तलाक पीड़ित महिलाओं की मदद के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने तलाक पीड़ित महिला को रानी लक्ष्मीबाई सम्मान कोष के जरिए आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। अब तक ये मदद सिर्फ घरेलू हिंसा और एसिड अटैक पीड़ित महिलाओं को दी जाती थी। लुधियाना सिटी सेंटर घोटाले में ईडी ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है। याचिका में विजिलेंस की एफआईआर और ट्रायल कोर्ट में दायर चालान और चार्जशीट की कॉपी की मांग की। इस मामले में पंजाब सरकार और विजिलेंस को 29 मई तक जवाब देना है। इस मामले में सीएम अमरिंदर सिंह भी आरोपी हैं। पंजाब के मोगा जिले में आग से करीब 200 एकड़ गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। मामला काहन सिंह वाला, महेसरी और जय सिंह वाला गांव के हैं। आग इतनी भयानक थी कि बुझाने की कोशिश में जुटे 62 साल के किसान की मौत हो गई। आग लगने की वजह की जांच की जा रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में नई सैंड माइनिंग पॉलिसी को मंजूरी दी गई। इसके अलावा फीस के लिए मनमानी कर रहे निजी स्कूलों से जुड़े एक्ट को मंजूरी दी गई। अब कोई भी निजी स्कूल फीस में 8% से ज्यादा बढ़ोतरी नहीं कर सकेगा। पंजाब के फरीदकोट के कोटकपूरा में मोटरसाइकिल और ट्रक की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई। बाइक पर सवार तीसरे की हालत गंभीर है। कार से बचने के दौरान यह हादसा हुआ।